स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको नहीं पता, एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व नहीं कर रखी, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे जाएं प्लेलिस्ट में। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, आप उस पर जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लें। बाकी मैं बेसिक आपको बता दूँ तो तीन फॉर्मूले बेसिक यूज होते रहते हैं। जैसे एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होता है, सेकेंड में आपका सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट यूज हो जाता है, और थर्ड एक्सरसाइज में रहता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले में ही इंक्लूड कर देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका यूज होना है। बाकी कोई भी फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको वीडियो के बीच में बताता रहूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट दे रखे, सबस्टेंड्स एट राइट एंगल एट ओरिजिन। यानी एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी और बी पॉइंट ले लिया सी कॉमा डी। ये जो लाइन सेगमेंट है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस दिस, सबस्टेंड, सबस्टेंड का मतलब है इनकी इस लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री एट ओरिजिन। ओरिजिन ये और ये 0.0 होता है। फिर समझ लो, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस दिस, सबस्टेंड मतलब ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, तो वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री और वो ओरिजिन पे है। और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे तो अगर हम बात करें कि कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि रेशियो की बात है नहीं, ना एरिया लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन नहीं है। तो एक ये हमारे पास अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो ठीक है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हमें यूज करना है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके साइड निकाल लेते हैं सारी। तो चलो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ए बी जो लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यानी कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर डी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आ गया। चलिए ऐसी ओ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी में ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर यानी सी माइनस जीरो होल स्क्वायर डी माइनस जीरो होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसी ओ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एक्स टू वाई टू ये एक्स वन वाई वन, तो ए माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर। अब इसमें 90 डिग्री एंगल है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू अदर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं ए बी। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, यहाँ ए बी है, तो स्क्वायर करना है। तो इस रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, कभी भी हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो हमें इसको स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो रूट हटा दो तो ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए की वैल्यू पुट कर दो, यहां भी रूट हट जाएगा सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस ओ बी लिख देते हैं। ओ बी है ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर। चलिए इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहां भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। थोड़ा इस बी पॉइंट को मैं इधर कर देता हूँ, सी कॉमा डी था, ठीक है बी पॉइंट, और ये थोड़ा लाइन चेंज कर देता हूँ जिससे स्पेस हमारे पास हो जाए। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी टू सी ए प्लस, इसमें अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यानी कि डी बी। ठीक है, मैंने इन दोनों में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलिए अभी इधर आते हैं राइट हैंड साइड, इक्वल टू सी माइनस जीरो में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सी माइनस जीरो सी, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, सिमिलर ये डी स्क्वायर, सिमिलर ये ए स्क्वायर, ये सिमिलर बी स्क्वायर। अब देखते हैं एलएचएस आरएचएस में कुछ कैंसिल हो रहा होगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बचा क्या, माइनस का टू सी ए माइनस का
टू डी बी इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू से माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और टू से डिवाइड भी कर दो। चलो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू सी ए प्लस टू डी बी इक्वल टू जीरो। टू से भी डिवाइड कर दो तो सी ए प्लस डी बी इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन आया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ए प्लस डी बी, माइनस तो है नहीं तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ए सी प्लस बी डी, ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं और बी डी को डी बी लिख सकते हैं, यानी कि यही ऑप्शन सही मिल गया। तो ये बाकी दो रॉन्ग ही है, तो ये इसका हो जाएगा बी पार्ट। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ क्या क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन में, कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस में साइड आती है तो हमने साइड के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला कायदे से अप्लाई करें और फिर पाइथागोरस लगा दें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज थ्री वर्टिसेस आर, ए वर्टेक्स है 0.3, एक ओ जो ओरिजिन है 0.0, एक है 5.0। चलिए पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ए पॉइंट है 0.3, तो 0 इन एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 3 ये कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया 0.3। ओरिजिन हमारा ये हो गया ओ 0.0 और बी पॉइंट 5.0 ये हो गया, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें तो रेक्टेंगल बनाना है, कौन सा, ए ओ बी, अब सी लेना है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर रेक्टेंगल है तो सी पॉइंट जो है इधर ही होगा, इधर, ठीक है। तो यानी अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो कितना होगा, एक्स 5 है और वाई कितना है 3, तो ये सी पॉइंट आएगा 5.3। आपको बताना है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल की बात करें तो इस ओ बी सी ए रेक्टेंगल में डायगोनल ए बी है, ठीक है, ये डायगोनल ए बी है। तो अगर हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर लें तो हमें डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। तो देखो अगर ये 5.0 है इसका मतलब ये लेंथ है 5 यूनिट्स, और अगर ये 0.3 है इसका मतलब ये लेंथ है 3 यूनिट्स। तो क्या, और हमें पता है रेक्टेंगल के एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो क्या हम पाइथागोरस लगा के ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, मतलब ये ए बी स्क्वायर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी आपका है 5, तो 5 स्क्वायर, ओ ए आपका है 3, ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 9, तो ए बी स्क्वायर आ गया 25 प्लस 9, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी रूट 34 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा रूट 34, समझ में आ गया सबको, तो ये हो गया सी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना था तब आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसी से आपको पता लगेगा कि डायगोनल कौन सा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में थर्ड लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस 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 इज, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो आउटर बाउंड्री होता है उसका सम। तो चलिए पहले एग्जैक्ट डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई, एक वर्टेक्स है 0.4, तो वाई एक्सिस पे होगा 0.4, ये मैंने ए ले लिया, ये ओरिजिन है 0.0, इस पॉइंट को ओ ले लिया, और एक पॉइंट है 3.0, तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये बी ले लिया और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो आपका अल्टीमेट ट्राइंगल बना है ए ओ बी, जिसमें ओ ए की लेंथ की बात करें तो ये 4 यूनिट्स होगी, और ये 3.0 इसका अंदर ये 3 यूनिट्स होगी। अब पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपका ओ ए 4 है और ये ओ बी 3, तो पाइथागोरस से ए बी निकाल लेते हैं और ए बी आ जाएगा, तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए क्या है 4, 4 स्क्वायर, ओ बी आपका 3, 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9, तो ए बी स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट कर दो तो ए बी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ए बी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी होगा, तीनों लेंथ का सम करना होगा,
तो ओ ए आपका 4 है, ये आपका 3 है और ए बी आपका 5 आया है, तो ऐड करेंगे क्या आ गया 12। तो 12 यहाँ पे बी पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्री। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट दे रखे हैं कि डिस्टेंस जो है 5 यूनिट्स है, देन द वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करना है। तो जैसे एक पॉइंट मैंने ए ले लिया जिसके पॉइंट है 4, P, और एक बी पॉइंट ले लिया जिसका पॉइंट है 1, 0, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। अब आपको पी फाइंड आउट करना है, तो चलिए पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए बी में। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दे रखा है ये 5 है, 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो प्लस का p स्क्वायर। तो यहां रूट है, यहां स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 5 का स्क्वायर 25, ये रूट हट जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, स्क्वायर करो तो रूट हटा दिया। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, इस 9 को भी एलएचएस में कर दो, तो 25 - 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो गया 16। स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि पी स्क्वायर हमारा 16 आया, तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्लस माइनस साइन यूज करना है। तो यहाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग भी था, अगर मान लो ऑप्शन दे दिए कोई 4 टिक करके आ गया, क्योंकि 4 भी लिख सकते हैं आप, कोई -4 कर दिया, लेकिन अल्टीमेट आंसर क्या है प्लस माइनस, तो इसका क्या होगा बी पार्ट। बहुत सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इफ पी क्यू आर एस, ये 4 पॉइंट्स दे रखे आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी फाइंड आउट करना है। इस टाइप का एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम में 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, यानी कि ये, तो ये पी क्यू आर एस, तो पी पॉइंट है 1, 2, क्यू पॉइंट है 4, 6, आर पॉइंट है 5, 7 और एस है 1, b। तो उसमें क्या होता है 3 पॉइंट दे रखे होते हैं, चौथा निकालना, तो उसको हम एक्स वाई या कुछ लेट कर लेते हैं, ए बी है तो ए बी लेट कर लिए इसे। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं कि ये डिस्टेंस निकालेंगे इसके इक्वल कर देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं करना है। तो इसमें करते क्या है, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसकी डायगोनल्स ज्वाइन कर लो और ये डायगोनल के पॉइंट को ले लो ओ, और एक प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे, लिख देंगे इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि ओपी और ओआर इक्वल है, ओक्यू ओएस इक्वल है, इक्वल इसका मतलब है ओ जो है मिड पॉइंट इसका भी है और ओ जो है मिड पॉइंट एस क्यू का भी है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता तो मैं साइड में इधर बता देता हूं कि अगर एक पॉइंट एक्स वन वाई वन है और एक एक्स टू वाई टू है और ये एम है, तो एम के कोऑर्डिनेट जो होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से वो होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो चलिए, अगर ओ मिड पॉइंट है एस क्यू का, तो मैं इधर करके दिखाता हूँ एस क्यू के लिए, ये एस है और ये क्यू है, तो S पॉइंट है a, b, Q पॉइंट है 4, 6 और ये O है, तो मैंने बताया कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब O मिड पॉइंट है, तो O के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से x1 + x2 / 2, यानी कि a + 4 / 2, b + 6 / 2। ये तो आ गया जब मैंने एस क्यू लिया। अब ऐसे ही आप पी आर लीजिए, यहां से पी आर, तो पी आर ले लेते हैं, तो P है 1, 2, R है 5, 7 और ये है O मिड पॉइंट,
ठीक है, तो ओ हो जाएगा, इसमें भी लगाते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, यानी कि वन प्लस फाइव अपॉन टू कॉमा टू प्लस सेवन अपॉन टू। तो फाइनली ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वन प्लस फाइव क्या होगा सिक्स, सिक्स अपॉन टू थ्री, तो ओ के कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएंगे थ्री कॉमा टू प्लस सेवन नाइन, नाइन अपॉन टू, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी ओ पॉइंट है और ये भी ओ पॉइंट है, तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, इक्वल कर देते हैं इक्वल। तो ए प्लस फोर अपॉन टू को किसके इक्वल करना है, थ्री के। अब सॉल्व कर लो यहां से, तो ए इक्वल, ए प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, फोर यहां माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है टू। सिमिलर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो कंपेयर करके, तो यहां कर देता हूं p प्लस सिक्स अपॉन टू जो है वो नाइन अपॉन टू के इक्वल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो b प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन, तो b हो जाएगा नाइन माइनस सिक्स, तो b क्या आ गया थ्री। तो आइए आपको समझ में आया हो कि इसमें हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी लगाना है, लिखना है इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है a है टू b है थ्री, a टू b फोर a टू b थ्री, तो यहाँ पे सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और इसको दोबारा कर लेगा समझ में ना आयो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स इसमें लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यानी कि जो एक फिगर बना हुआ है, तो एक ट्राइंगल ए ओ बी है जिसमें ए बी ओ ये जो वर्टेक्स है, तो इसमें लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है वो कहाँ होगा जो ए और बी और ओ से इक्वल हो, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको याद हो नाइन्थ क्लास में हम एक क्वेश्चन करते थे कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो ए ओ बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए ओ बी एंगल है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस पे अगर मिड पॉइंट लें तो ये जो पॉइंट होता है वो इस वर्टेक्स से भी, इस वर्टेक्स से भी और इस इधर से भी, ओ से भी, ओरिजिन से भी, वो डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करते थे बकायदा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ नहीं करना होगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है या दो नंबर में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिखना सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये ही जो एम पॉइंट होगा तो ए एम जो होगा वो एम बी के इक्वल होगा और ओ एम के भी इक्वल होगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, नाइन्थ क्लास में रिजल्ट आ चुका है इसलिए, ठीक है। तो यानी कि ये मिड पॉइंट है, अब हमें तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अगर हम एक ए बी लाइन सेगमेंट ले लें, तो ए है जीरो कॉमा टू वाई और बी है टू एक्स कॉमा जीरो, एम पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा था इससे पहले, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू यानी कि जीरो प्लस टू एक्स अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, तो टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स होगा, टू से डिवाइड करोगे एक्स आ जाएगा, सिमिलर यहां टू से डिवाइड करोगे वाई आ जाएगा, तो जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा ए बी ओ के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहली ऑप्शन दिख रहा है एक्स कॉमा वाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, फिर से रिवाइज करवा दूं, क्या कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है, द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो दिस, तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, यानी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेगा। तो अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन और बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू और एक कोई P पॉइंट है जिस जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए भाई इसको क्वेश्चन करते हैं। तो A दे रखा था टू कॉमा माइनस फाइव, तो यानी ये है एक टू कॉमा माइनस फाइव, B पॉइंट है फाइव कॉमा टू, ठीक है।
अब आपको पी पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2:3 में डिवाइड हो रहा है। तो वैल्यू सब दे रखी है, एम के लिए 2 है, एन के लिए 3 है, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू, पी निकालना है। और बल्कि ये बताना है पी जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब पी आ जाएगा तब बात कर लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए पी एम एक्स टू यानी 2 × 5 प्लस एन एक्स वन 3 × 2 अपॉन एम प्लस एन 2 + 3 कॉमा एम वाई टू 2 × 2 प्लस एन वाई वन यानी 3 × −5 अपॉन 2 + 3 2 × 5 = 10 3 × 2 = 6 अपॉन 5 2 × 2 = 4 −15 अपॉन 5 तो ये हो गया 16/5 और ये हो गया माइनस का 11/5 तो डिवाइड करें 5 × 3 = 15 3.2 आएगा। ये डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 × 2 = 10 फिर पॉइंट आएगा 2.2 आ जाएगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो एट्थ क्वेश्चन है, लिखा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0, 0, 3, 0 एंड 0, 4 द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ सेंट्रोइड का फॉर्मूला कि अगर ए पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो बी पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू और सी पॉइंट है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। तो सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। तो आपको तीन पॉइंट ये दे रखे हैं, तो अगर मैं इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू और इसको एक्स थ्री वाई थ्री ले लेता हूँ और पुट करता हूँ इसमें फॉर्म, ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एक्स वन है 0, एक्स टू है 3 प्लस एक्स थ्री है 0 अपॉन 3 कॉमा वाई वन है 0, वाई टू है 0 और वाई थ्री है 4 अपॉन 3। तो 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा और यहाँ 4 आएगा, 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये सेंट्रॉइड हो गया। तो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने किए, अगर 8 क्वेश्चन तक अभी पहुँचे हैं तो सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, रजिस्टर जरूर बना लें, मैं बारे बोलो नोटबुक निकालें, करना शुरू करें, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर है बी पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है इसमें लिखा है द पॉइंट्स दिस 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 यानी 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। तो यहाँ भी एक नया चीज हमें सीखने को मिल रहा है कि कोलिनियर में क्या होता है। तो आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखूँ, तो अगर एक 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल में एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, सी पॉइंट है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर एरिया 0 हो जाए तो कोलिनियर होता है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एरिया को 0 करना है, ठीक है। तो जब भी आते हैं कोलिनियर क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएं और एरिया इक्वल टू कर दें 0। अब मैं पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एरिया का फॉर्मूला क्या है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। अब इस फॉर्मूले की मैंने ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो नहीं देखा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो जाकर देख लें, और उसमें जो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की है 3, 7.3 उसको पूरा कंप्लीट कर लें, आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक क्या है याद करने का, और उस पर क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको बोला कि एरिया को 0 करना है कोलिनियर के केस में, तो 0 कर दिया और यहाँ पे LHS में फॉर्म लगाते हैं हाफ मॉड। अब ये 3 पॉइंट्स गिवन थे, तो ये मेरा एक्स वन वाई वन, ये मेरा एक्स टू वाई टू और ये मेरा एक्स थ्री वाई थ्री। अब वैल्यू पुट करते हैं एक्स वन, तो एक्स वन हमारा क्या है के प्लस वन, ब्रैकेट में क्या है वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू क्या है 3 माइनस y3, y3 के 2k, ये आ गया 2k प्लस x2, x2 है 2k प्लस 1 ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ पे है 2k माइनस
खुद से प्रैक्टिस करें वैल्यू पुट करने की, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस का वन प्लस एक्स थ्री, ये एक्स थ्री हमारा, तो टू के प्लस टू ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, यानी कि वन माइनस थ्री मॉड इक्वल टू जीरो। तो जो टू डिवाइड में वो तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो k प्लस वन थ्री माइनस टू के, ये वाला टर्म हो गया, और ये टू के प्लस वन टू के माइनस वन, और यहां पे आ गया टू के प्लस टू मल्टीप्लाई में माइनस टू। ठीक है, अभी मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि वैसे भी राइट हैंड साइड जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k का मल्टीप्लाई थ्री में होगा थ्री के, k का मल्टीप्लाई माइनस टू के में होगा तो माइनस का टू के स्क्वायर। अब इस वन का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, थ्री माइनस टू के प्लस, यहां पे a प्लस बी a माइनस बी यूज कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करोगे, कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो टू के इंटू टू के फोर के स्क्वायर, यह आएगा माइनस का टू के प्लस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का टू के माइनस का वन, यहां माइनस टू का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का फोर के माइनस का फोर आएगा इक्वल टू जीरो। देख लेते क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे, के स्क्वायर की दो टर्म है बस, तो फोर के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर क्या आएगा टू के स्क्वायर, के टर्म सॉल्व करते हैं। चलिए थ्री के है माइनस का टू के है माइनस का टू के है, ये माइनस टू के प्लस टू के तो चलो कैंसिल कर लो, और ये माइनस का फोर के, और तो कुछ है नहीं, देख लो ध्यान से। तो माइनस का थ्री के माइनस का सॉरी प्लस का थ्री के माइनस का टू के क्या होगा प्लस के, और माइनस का फोर के है तो यानी आ गया माइनस का थ्री के। कॉन्स्टेंट ये है थ्री है और ये माइनस वन है और ये माइनस फोर है, तो थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन क्या होगा टू, और टू माइनस फोर क्या होगा माइनस का टू। और मैं तो आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें खुद से कैलकुलेशन करने, क्योंकि ये है क्या सिंपल मल्टीप्लाई, आप खुद से देखें क्या ऐड हो रहा है क्या सब्सट्रैक्ट। ठीक है, रटने की कोशिश ना करें। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो टू इंटू टू क्या हुआ फोर, फोर को ऐसे ब्रेक करो थ्री आए तो फोर इंटू वन फोर होता है और फोर माइनस वन थ्री होता है, तो टू के स्क्वायर माइनस का फोर के प्लस का के माइनस टू इक्वल टू जीरो। इन दोनों में 2k कॉमन लो तो ब्रैकेट में आएगा k माइनस टू, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो k माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट में आ गया k माइनस टू, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2k प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसको जीरो कर लो k माइनस टू को, तो k की रुके आ गई 2, और एक बार 2k प्लस वन को जीरो कर दो तो 2k इक्वल टू माइनस वन, तो k की रुके आ जाएगी माइनस का वन बाई टू। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो वन बाई टू ए टू, तो यानी डी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो क्या करना है, कोलिनियर का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए एरिया निकालो, एरिया को जीरो कर दो, वहां से वेरिएबल जो होगा वो मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन ने लिखा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई द पॉइंट दिस दिस दिस, तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं एरिया निकालना है। तो एरिया का अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब भी पॉइंट में जीरो जीरो हो, जीरो कॉमा बी हो, ए कॉमा जीरो है, इन केसेस में आपको क्या करना है, प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो वैसे तो तीन पॉइंट दे रखे, आप एरिया का फॉर्म लगा दो जो मैंने बताया है, मॉड में एक्स वन ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, वो लगा के भी आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के कोऑर्डिनेट हो, जीरो 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 ए या फिर ए कॉमा जीरो, इस तरीके से हो तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए एक है ओ पॉइंट यानी ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, एक है बी पॉइंट जीरो कॉमा बी वो वाई एक्सिस पे होगा, और ए पॉइंट ए कॉमा जीरो है इसलिए ए पॉइंट आ गया इधर ए कॉमा जीरो, इसको ज्वाइन कर दो। तो आप देख पा रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल ए ओ बी जिसमें है 90 डिग्री, तो अगर ये a कॉमा जीरो यानी कि ये लेंथ क्या होगी a, और अगर ये जीरो कॉमा b है तो ये लेंथ क्या होगी b, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या है a और हाइट क्या है b, तो क्या आ जाएगा ab अपॉन 2। तो
तो आप समझ रहे हो कितना आसानी से हो गया। अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करते तो ऐसे नहीं बहुत लेंदी होता, लेकिन तीन चार स्टेप लग जाते सॉल्व करने में और इतना बड़ा फॉर्मूला भी लिखना पड़ता। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हाफ ए बी, क्योंकि ए बी बाई टू का मतलब क्या है, हाफ ए बी की बात है। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। आई होप आपको आज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सीखने को मिले हुए, बहुत आपका कॉन्सेप्ट जो है इंक्रीज हुआ हो। मैं यही आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता रहे और वीडियोज बनेंगे प्रीवियस ईयर्स पे, नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक पे जल्दी वीडियो चाहिए, वो भी जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों, और आज के लिए इतना ही।